जराइम की दुनिया में क्रूरता की कोई हद, पैमाना या फिर कहिए सीमा रेखा नहीं होती है। सब कुछ अपराधी के इरादों, उसकी सोच पर निर्भर करता है कि वो किस हद तक की क्रूरता को अंजाम देने पर उतारू है। सात समंदर पार घटी एक लड़की के कत्ल की जिस जघन्य हत्याकांड या वारदात का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, उस घटना ने तो इन्हीं तमाम बातों को पत्थर की लकीर सा अमिट सिद्ध कर दिया है। क्रूरता पर उतरे हत्यारों ने लड़की से ही उसकी जबरन कब्र खुदवाई और फिर कत्ल करने के बाद लड़की की लाश उसी कब्र में दफना भी दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और आप सुन रहे हैं TV9 पॉडकास्ट में क्राइम का किस्सा। लड़की से ही उसकी कब्र जब खुदवा ली तो उसके बाद उन्होंने यानी हत्यारों ने उसके बदन में गोलियां झोंक कर उसे कत्ल कर डाला और उसकी लाश उसी कब्र में दफन कर दी जो लड़की से चंद घंटे पहले हत्यारों ने उसे डरा धमका कर खुदवाई थी। यह सनसनीखेज घटना उस दौरान घटी जब लड़की दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में पहुंची हुई थी। द सन UK की खबर के मुताबिक किसी लड़की के कत्ल की यह रूह कपा देने वाली घटना ब्राजील के सांता कैटरीना राज्य की है। कत्ल की गई 21 साल की लड़की का नाम अमांडा अलवाच है। घटना का खुलासा स्थानीय पुलिस ने किया। मामले की जांच कर रहे स्थानीय पुलिस प्रमुख ब्रूनो फर्नांडिस ने मीडिया से घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा, घटना वाले दिन अमांडा अलवाच अपने एक फ्रेंड की जन्मदिन पार्टी में शरीक होने गई थी। साथ में उसके कई और दोस्त भी सांता कैटरीना इलाके में वहां पर मिल गए जहां बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। बर्थडे पार्टी में कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद थे जिनकी गतिविधियां शुरू से ही लड़की को संदिग्ध लग रही थीं। देखने से उसे लग रहा था मानो वे सब संदिग्ध किसी बड़े ड्रग रैकेट के सदस्य हों। मौका मिलते ही अमांडा अलवाच ने उन संदिग्धों में से कुछ की चोरी छिपे तस्वीरें कैमरे में उतारनी शुरू कर दी। अमांडा अलवाच जब ड्रग माफियाओं की चोरी छिपी तस्वीरें खींच रही थी तो एक संदिग्ध की नजर उस पर पड़ गई। संदिग्धों ने अमांडा से उनकी तस्वीरें खींचने को लेकर आपत्ति जताई। उसी समय उन सब संदिग्धों ने 21 साल की लड़की अमांडा अलवाच को काबू करके उसका कत्ल करने का प्लान बना डाला। ड्रग माफियाओं द्वारा एक बेकसूर लड़की द्वारा ही उसकी कब्र खुदवाकर उसके कत्ल के बाद उसकी लाश उसी कब्र में दफन कर डालने जैसे ये रूह कपाती घटना का भंडाफोड़ तब हुआ जब लड़की घर नहीं पहुंची। परिवार वालों ने लड़की के मोबाइल पर संपर्क साधा मगर मोबाइल स्विच ऑफ था, लिहाजा मामला संदिग्ध लगता देख परिवार ने पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस की पड़ताल के दौरान एक संदिग्ध ड्रग डीलर हाथ चढ़ गया। उसने अमांडा अलवाज के कत्ल की बात कबूल कर ली। पकड़े गए आरोपी ने ही पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। उसी से पुलिस को पता चला कि कत्ल करने से पहले 21 साल की अमांडा से ही हत्यारों ने उसकी कब्र जबरन धमका कर खुदवाई थी। कब्र खुदवाने के बाद ड्रग स्मगलरों ने अलवाच को गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश को उसी कब्र में समुद्र किनारे दफन कर दिया जो अलवाच से ही खुदवाई गई थी।